हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल ट्रेड। में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और कौन कौन से फैक्टर हैं जो फॉरेन एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आज के सेशन में हम कवर करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट ने लास्ट वाला लेक्चर मिस कर दिया हो तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर में कई बार रिवाइज किया गया, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। सो आई एम एक्सप्लेनिंग टुडे हियर। ओके, सो लेट्स कवर कम टू टुडेज टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ प्लेस वेयर फॉरन मनीज आर बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, फॉरन एक्सचेंज मार्केट क्या है? एक प्लेस है जहाँ फॉरन मनी मीन्स टू से मनी फ्रॉम डिफरेंट नेशंस और कंट्रीज। जहाँ फॉरन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ डिफरेंट कंट्रीज की जो मनीज है उसको खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि बॉट और सोल्ड, तो वो क्या होता है? फॉरन एक्सचेंज मार्केट। अब मैं बात करता हूँ इसकी स्टार्टिंग से, इंटरनेशनल ट्रेड से। सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज एंड व्हाट इज द मीन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हम किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हम उन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसका जो रिसोर्सेज हमारे पास रिच क्वांटिटी में हो। ठीक है, उनको हमने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद हम उन गुड्स को उन अदर कंट्रीज में सेल करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, अपने बिजनेस को डोमेस्टिक से लेके फॉरेन बिजनेस तक प्रोसीड कर रखा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, दैट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस। अपनी ही कंट्री में गुड्स को बना के बेचना डोमेस्टिक ट्रेड कहलाता है। जब हम गुड्स को बना के किसी अदर कंट्री में बेचते हैं तो उसको फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अब जब हम किसी दूसरी कंट्री को गुड्स दे रहे हैं तो वो हमें क्या करेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। ठीक है, यानी कि जितना भी हमें सामान गुड्स जितने भी गुड्स भेजे हैं और जो भी बैलेंस बन है उसको वो हमें सेंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि भाई हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। ठीक है, ऐसे में बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप में एक क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है कि भी किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए। अब करेंसी अलग है और करेंसी की वैल्यू भी अलग अलग है जो कि वैरी करती है, तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये सारी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, ये सारी प्रैक्टिसेस प्रोसीड होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ प्लेस वेयर फॉरेन मनीज आर बॉट और सोल्ड। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ फॉरेन मनी को खरीदा और बेचा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज। ठीक है, एक्सपोर्टर्स सेल द फॉरेन करेंसीज एंड इम्पोर्टर्स बाय देम। एक्सपोर्टर्स उनको सेल करते हैं और इम्पोर्टर्स उनको खरीदते हैं, तो वो क्या है, दैट एरिया नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है, दो करेंसीज का आपस में बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिकली सारे ट्रांजेक्शन्स प्रोसीड होते हैं। ठीक है, जो भी हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट प्रोसीड किया जाता है, और आज के टाइम में ये टोटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्पर्जल होता है, जी हाँ, अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है, तो एक तरीके से ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी है और ज्योग्राफिकल डिस्पर्जल भी है। एक ज्योग्राफिकल यानी कि एक रीजन डिफाइन होता है और उसके हिसाब से फिर क्या है, बिजनेस को प्रोसीड किया जाता है। हर कंट्री के अलग अलग एक्सपर्टनेस होती है एक स्पेशलाइज गुड्स में, जिसके हिसाब से स्पेशलाइजेशन भी हो जाता है और ज्योग्राफिकल डिस्पर्जन भी है।
ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर को हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी रोल भी बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो रोल प्ले करती हैं फॉरेन बिजनेस में। तो ध्यान दीजिए, जब हम इंटरनेशनल बिजनेस को प्रोसीड करते हैं तो एक लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन होती है, तब जाके फाइनल डेस्टिनेशन तक गुड्स को पहुंचाया जाता है, ठीक है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और उससे रिलेटेड जो पार्टीज होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इंटरमीडियरी भी है, वॉल्यूम है और मिनिमाइजिंग रिस्क, रिस्क को हम मिनिमाइज करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू, ठीक है। फंक्शंस, ट्रांसफर फंक्शंस हैं, क्रेडिट फंक्शंस हैं और हेजिंग फंक्शंस हैं। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी है और उसकी वैल्यू है क्या है, ठीक है, और वैल्यू क्या है, अप डाउन होती रहती है, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भी स्टेबिलिटी है लॉन्ग टाइम तक, एक लॉन्ग पीरियड तक स्टेबिलिटी बनी हुई है, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, जिसका अफेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस पे भी पड़ता है और फॉरेन बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी पड़ता है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट को? फर्स्ट वन है चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज, ठीक है, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहला जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट को, वो क्या है? डिमांड और सप्लाई, कि भाई कितनी डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई होता है। अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है तो उसका अफेक्ट एक्सचेंज रेट पे भी पड़ता है, ठीक है। एक्सचेंज रेट होता क्या है? एक्सचेंज रेट वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट पे दो करेंसी को आपस में एक्सचेंज किया जाता है, जैसे कि इंडियन रुपीज और अमेरिकन डॉलर। अगर उनको आपस में एक्सचेंज कर किया जा रहा है तो जिस प्राइस पे एक्सचेंज किया जा रहा है वो एक्सचेंज रेट कहलाता है, ठीक है। अब डिमांड की जो भी गुड्स हैं, अगर कोई भी गुड है उसमें डिमांड में चेंज आ रहा है सप्लाई में, ठीक है, तो उसका अफेक्ट एक्सचेंज रेट पे भी पड़ता है। अभी जब मैंने प्राइस बताया कि भी जिस प्राइस पे दो करेंसी चेंज हो रही है वो भी क्या है, स्टेबल नहीं होता, वो भी चेंज होता रहता है। चेंज कैसे होता है? जब डिमांड और सप्लाई चेंज होती है, ठीक है। सेकंड है स्टेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का एक डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है किस पे? इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट पे। अब दो कंट्रीज का आपस में कंटिन्यूसली बिजनेस चल रहा है, ठीक है, एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग चल रही है, कंट्रीज के पॉलिटिकल रिलेशंस हेल्दी हैं, प्रॉपर बिजनेस चल रहा है, तो उसी के हिसाब से एक्सचेंज रेट सेट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि इंडियन मार्केट में आप देखिए चाइनीज बहुत सारे प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए ही, लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट का अफेक्ट इन सब फैक्टर्स की वजह से भी होता है, ठीक है। कितना आप कंटिन्यूसली बिजनेस कर रहे हो किसी दूसरे कंट्री के साथ, कितना आपको फायदा हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। मॉनेटरी पॉलिसी भी वेरी करती है कि आपकी कंट्री में कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है। हर ट्रेड पॉलिसी भी वेरी करती है, क्या ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, और उसको किस तरीके से आपने फॉर्मुलेट किया है। कैपिटल मूवमेंट, कैपिटल का मूवमेंट फ्रॉम वन नेशन टू अदर नेशन, दैट ऑल्सो अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। इंडस्ट्रियल फैक्टर्स, ठीक है, कितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और इंडस्ट्रियल फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द एक्सचेंज रेट ऑल्सो, ठीक है। करेंसी कंडीशंस, करेंसी की क्या कंडीशंस है, जैसे कि वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो कितनी अप और कितनी डाउन है। पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है आपकी, जैसे कि बहुत आपका किसी कंट्री के साथ बिजनेस चल रहा है तो उसके साथ आपके पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, और अगर आप लॉन्ग टाइम तक बिजनेस कर रहे हो तो किस तरीके से आपने पॉलिटिकल रिलेशंस को मेंटेन किया हुआ है। कोई वॉर की कंडीशंस, एक्सचेंज कंट्रोल, बैंकिंग कंडीशंस, ठीक है, नेशनल इनकम ऑल्सो, नेशनल इनकम कितनी है, नेशनल इनकम को किस तरीके से आप मेंटेन कर रहे हो। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, मार्केट फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनल इनकम अफेक्ट द एक्सचेंज रेट ऑल्सो, तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो डायरेक्टली एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं, एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
नेशनल इनकम कितना, इक्वालिटी है इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम कितनी है, जीडीपी कितना है, किस सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है जीडीपी में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फॉरेन ट्रेड की, तो फॉरेन ट्रेड से कितना, फॉरेन ट्रेड के थ्रू कितना जीडीपी है या फिर इनकम है हो रही है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस, उसके बाद जो बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, वहाँ से कितना कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल कंडीशन आपकी, अगर मैं किसी भी एक कंट्री की बात करूँ तो कितना आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांगली आप काम कर रहे हो, कितना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, सिंपल सा टॉपिक था फॉरेन एक्सचेंज रेट का और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ, एक बार फिर से हमने रिवाइज कर लिया। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसके अलावा किसी और टॉपिक में भी डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड की जो स्टार्टिंग के टॉपिक हैं, फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड, नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड, बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, और उसके बाद मर्केंटलिज्म थ्योरी, कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिए और उनमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, तब तक इसको समझिए, कोई डाउट हो तो दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।